सो भाइयों और बहनों देखिए स्टार्ट करें बाबू। हम लोग लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे थे और आज भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीखेंगे। तो क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरीका होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका है, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और एक तो क्या है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला लास्ट क्लास आपको करवाए थे, कभी भी छूट जाए ग्रुप में लिंक देते हैं, आप उसको देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, बस समझ रहे ना। तो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक। तो आज का टॉपिक का नाम ही है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चैप्टर का नाम भी कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका टॉपिक का भी नाम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा सम्स कैसा कैसा आता है आपको बता दे। एक तो जो हम लोग आज करेंगे नॉर्मली फ्यूचर अमाउंट निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, फिर आपका नॉर्मली इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, फिर एक तो आता है पॉपुलेशन वाला सम्स, एक तो आता है डेप्रिसिएशन वाला सम्स। बस इतना कैटेगरी का क्वेश्चन आपका एग्जाम में है, आपके सेमेस्टर में है। तो पूरा मिशन एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको हम पूरा सॉल्व करवाते हैं, तो आपको अलग से मिशन एमसीक्यू खरीदने का दरकार नहीं, बस समझ लेना। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों। पहले फॉर्मूला देख लीजिए प्लीज, पहले फॉर्मूला जैसे याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसी को क्या फॉर्मूला था? पी इंटू आई इंटू डी। जब ये फॉर्मूला लिखे थे बोर्ड पे तो आपको याद होगा बहुत इजी लगा था, और लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे थे रोटेट कर करके तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट नया नया सीखे थे हम लोग। आज का फॉर्मूला ये नहीं है, आज का फॉर्मूला आज का फॉर्मूला है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया जाता है, फ्यूचर वैल्यू भी इसको बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है जो नहीं आए थे एक बार उनके लिए एक मिनट में रिवीजन। 100 रुपया सपोज आप हमको दे रहे हो 5% का इंटरेस्ट है, 100 रुपया का 5% कितना होगा जी 5 रुपया। एक साल खत्म हुआ, एक साल बाद मेरा बैलेंस हो गया 105। अब जब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से, तब 100 पे नहीं निकालिएगा 105 पे निकालिएगा। यस और नो? यस और नो? यस। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा तो उस पर सवाल है कैसे निकालेंगे, कंपाउंडिंग कैसे होगा। कंपाउंडिंग का अपना एक सुंदर सा फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू बोलिए चाहे ए बोलिए, किताबों में ए लिखा गया है। तो फ्यूचर वैल्यू ए निकालने का फॉर्मूला होता है पी 1+R/100। थोड़ा बड़ा दे दे बाबा, होल टू दी पावर एन। पी 1+R/100 होल टू दी पावर एन, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर पी 1+R/100 होल टू दी पावर एन, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला घूर फिर के नाचेगा गाएगा और इसी के हिसाब से सम्स बनेगा। यही फॉर्मूला रोटेट होगा, क्या होगा वो रोटेट। जैसे पी इंटू आर इंटू टी में कभी पी निकाले थे, कभी आर निकाले थे, कभी टी। आपको पी निकालना, आर निकालना, टी निकालना, तीनों सिखाए थे लास्ट क्लास में कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से पी कैसे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, टी कैसे निकलेगा, जो चैप्टर सम्स के थे क्लास में। तो देखिए उसके बाद अब जो आज का टॉपिक है हम लोग का, आज का टॉपिक क्या है देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला में जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो ये है। अब यहां पर इस फॉर्मूला का मतलब समझते हैं। ए मींस व्हाट? तो माय डियर स्टूडेंट ए मींस अमाउंट टू बी गेटिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो अमाउंट आपको मिलेगा, जैसे हम 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं आज 5% का रेट से, 2 साल बाद कितना होगा, 1 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, उसको यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूला से। ए का मतलब फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा। यस बस ना, पी पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और आप लोग का भाषा में इसको सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी आप कितना लगा रहे हो, अभी आप कितना ओके। उससे देखिए आर, आर मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो आर बाय हंड्रेड जो है ना, डायरेक्ट करके भी आप वहां पे लिख सकते हैं, आर बाय हंड्रेड करना जरूरी नहीं है कि 100 करना ही होगा, डायरेक्ट आर बाय 100 करके लिख दीजिए। अच्छा और उसके बाद टी एन, एन का मतलब क्या है, यहां पर एन का मतलब समझ देखिए, यहां पर एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स टू बी कंपाउंडेड। जा बाबा, नंबर ऑफ टाइम्स टू बी कंपाउंडेड, ये नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब बॉस, जैसे जैसे हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितना बार पैसा मिलेगा बताइए, दो बार। क्वार्टरली हुआ, क्वार्टरली मतलब एक साल में कितना मिलेगा, 4 बार। एनुअली हुआ, साल में कितना बार मिलेगा, 1 बार। यस और नो? तो यहां पर अभी सम्स बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से हम लोग को खेलना सीखना है आज। यस और नो? अच्छा चलिए, ये तो फ्यूचर का अमाउंट निकालने का बात हो गया। अगर इसी ने आप हमको बोल दिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा ए माइनस पी।
ए माइनस पी कैसे? सपोज एग्जाम्पल दे, हम आज लगाते हैं 5,000, 3 साल बाद हमको मिलता है मान लीजिए 7,000 रुपये। अगर कोई हमसे पूछेगा कि बताओ तुमको इंटरेस्ट कितना मिला, तब क्या बोलेंगे? बोलो 2,000 7 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा? 2,000। वही तो लिखे थोड़ा इंग्लिश में, ए माइनस पी, ए माइनस पी, आप लोग आसान, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू माइनस अभी बड़ी। आप होमवर्क करिए चाहे नहीं करिए उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्योंकि वो क्लास में लोग कर लेते हैं, लेकिन नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप किसी से भी मांगोगे ना कोई आपको नोट्स नहीं देगा, इसलिए सारा सम्स क्लास क्लास में अपना ही कॉपी में उतारा करिए, सेपरेट कॉपी बनाया करिए और एब्सेंट ना किया करिए, ऐसे फिर कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा दिमाग से। चलिए क्वेश्चन लिखिए बाबू, इफ इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट द रेट 5%, for 2 years, what will be the value after that? What will be the value after that? शुरुआत करते हैं बाबू, ये देखिए बोला है क्वेश्चन में, हम फॉर्मूला रहने देते हैं, बोर्ड में पूरा फॉर्मूला रखेंगे आज के लिए। ए बाबू बोला है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट नहीं दिए क्या? नहीं। लिखिए व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर दैट इफ, उसके लिए दीजिए इफ 5,000 इज इन्वेस्टेड, बस इफ 5,000 इज इन्वेस्टेड। चलिए सुनिए, अगर 5,000 रुपया आप आज लगा रहे हो, ध्यान से सुनना कहानी बहुत इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज समझिएगा बाद में दिक्कत होगा। अगर 5,000 रुपया आप हर दिन लगा रहे हो, मतलब बिजनेस में लगा रहे हो, कितना परसेंट के हिसाब से आओगे? 5% के हिसाब से, तो 2 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा? अगर आप 5,000 रुपया लगा रहे हो 5% के हिसाब से, तो 2 साल बाद उसका पैसा कितना होगा? अब बोला कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब साल में। देखिए कैसे होगा, पी की जगह पे क्या बैठाएंगे बोलिए? 5,000 बैठाएंगे। 2 साल बाद क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है। ए इक्वल टू पी, पी की जगह पे क्या बैठाएंगे? 5,000, 1 की जगह पे 1, आर कितना परसेंट है? 5/100 कर दिए, और उसका एन की जगह पे क्या होगा? 2, तो 5,000 1 प्लस 0.0 कितना? 0.5, क्या देखिए 0.05 ना, बोलिए का होल स्क्वायर 0.5 भी करेंगे तो वही जाएगा 1.5 ना, 1.05 का होल स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा बच्चों, कैलकुलेटर में इन करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा बोलो? 1.1025। हाँ, डरते क्यों आप लोग? 1.1025 इंटू करके बताइए कितना होगा? 5512.5 कॉपी करिए, आप लोग सब वेट कर रहे थे कि कौन पहले बोले थे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिए, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट 12% आफ्टर 2 years, after 2 years, try करी interest दिया है ना कि नहीं दिया? हाँ सब कुछ तो दिया ही है, आराम से बिना से बनाइए, हर बड़ा ही मत
बस भी है एग्जाम वाले नहीं करना है सारे बच्चे कर लीजिए। नहीं आया क्या? हो गया हम ठीक है सौरभ करके दिखा दे देखियो। आओ बच्चों देखो देखियो फिर से वही तरीका फिर से वही चीज a इक्वल टू पी पी के जगह पे कितना बोलो एक लाख वन के जगह पे कितना वन आर कितना है 12% 12/100 1 टू दी पावर 2 1 लाख 1 प्लस कितना होगा का स्क्वायर मान लीजिए 1 लाख इतना तो एग्जाम में करना नहीं है पर समझने के लिए कर रहे 1.12 का स्क्वायर कितना 1 लाख 1.45 4, 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
बाबू इसका स्क्वायर करना था सारी बस, अगर 3 है तो 3 बार गुना कर लीजिएगा, 4 है तो 4 बार गुना कर लीजिएगा, 5 है तो 5 बार कर लीजिएगा। लेकिन सबसे कुछ एक सवाल आपके मन में आता होगा, अगर 20 साल रहा तो एक मन में सवाल आता है, तो एक्चुअली उसको निकालने का बहुत सारा ट्रिक है। कैलकुलेटर एक तो कैलकुलेटर ट्रिक भी, लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक क्या होता है, जो बड़ा कैलकुलेशन होता है 20 साल का 25 साल का, तो कैलकुलेटर ट्रिक फेल हो जाता है। 20 साल 25 साल 30 साल वाला रहने से आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा जाकर के, कि हम कितना बार गुना किया कितना बार गुना नहीं किया, क्योंकि उतना याद नहीं रहेगा। दूसरा तरीका होता है लॉग टेबल से करना, पसंद है लॉग अभी सीखे नहीं आप। और तीसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन में ना, इसीलिए क्वेश्चन में, और वो लोग क्या करता है ना, जिसका जो है 10 साल वाला करना रहेगा तो लोग वहां पर आपको लिख देगा गिवन, मतलब इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू वो लोग क्वेश्चन में आपको दे देते हैं। क्वेश्चन में वो लोग जैसे आपको 20 साल का 25 साल का सम्स देगा, तो ये वाला पार्ट वो लोग क्वेश्चन में आपको दे देते हैं, पसंद है। 1 साल 2 साल 3 साल तक का देता है तो नहीं देता है, समझे। तो वो लोग को आपको आपको 20 साल का, अगर 15 साल का या 10 साल का देगा, तो वो लोग क्या करेगा, ये वाला जो वैल्यू है 1.12 जो आया है वो वाला वो लोग दे देता है। सेम 6 में जब आप आएंगे वहां भी एक चैप्टर है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, वहां भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते, यही चीज पढ़ेगी, तो वहां भी यही फॉर्मूला है, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। वहां पर टेबल दे दिया रहता है क्वेश्चन में, उसमें से आपको बस कॉपी करना रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको जब आपने किया तो कितना आ रहा, 1,25,440, प्लीज कॉपी कर लीजिए बाबू, जिन्हें गलत हो गया सब ठीक कर लीजिए बाबू। देखिए अगर एनुअली बोला तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना देंगे। अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला तो, क्वार्टरली बोला तो, ये थोड़ा बच्चे लोग डर जाते, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का, तो वो आपको बता। देखिए अगर कभी क्वेश्चन में, अगर कभी क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली बोला, मान लीजिए हाफ ईयरली बोला, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं आपके लिए। अगर हाफ ईयरली क्वेश्चन में बोलेगा तो आर बाय 100 तो होना ही है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते आई बाई एन, और इधर एन है ना, एन एन इंटू टी, समझने के लिए इतना इंग्लिश आपको समझना नहीं, अभी सम्स बनाएंगे आप डायरेक्ट समझ जाओगे। जैसे सपोज क्वार्टरली बोला तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या करेंगे, एन की जगह पर हाफ ईयरली होने से क्या करेंगे टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे टू, यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे टू। अच्छा अगर क्वार्टरली बोला तो यहाँ पर डिवाइड कितना से करेंगे 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कितना से करेंगे 4। एनी डाउट, कोई दिक्कत, मतलब अच्छा। तो बच्चों ध्यान से प्लीज सुनिए, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बताइए तो, हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, कितना बार बोलिए, 2 बार, यही ना बाबू हाफ ईयरली का मतलब, तो यही बस समझे बाबू, हाफ ईयरली का मतलब तो यही है कि 1 साल में कितना बार मिलेगा, 2 बार। अगर क्वार्टरली बोलते हैं तो 1 साल में कितना बार मिलेगा बाबू, 4, कितना बार बोलिए, 4 बार। और अगर मंथली बोलते हैं तो 1 साल में कितना बार मिलेगा, 12, कितना बार बाबू, 12। तो अगर हाफ ईयरली वाला क्वार्टरली वाला सम्स रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं तो बेटर समझ पाएंगे आप। क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल 3।
लिखिए व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ 10,000 is invested, 10,000 is invested after invested for two years if interest is compounded annually. अब आपको यही क्वेश्चन तीन तरह से बनाएंगे, अभी एनुअली वाला करा रहे हैं, फिर यही क्वेश्चन आपको हम बाय एनुअली कराएंगे, फिर यही क्वेश्चन आपको हम क्या बोलते हैं इसको क्वार्टरली कराएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा. एनुअली वाला आप करके देखिए, नॉर्मली बनाइए कैसे बनाना है. बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 10,000 अमाउंट इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर टू इयर्स एट द रेट ऑफ इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट, रेट नहीं लिखे ना, लिख दीजिए एट द रेट 10%. बस करके दिखाइए, करके दिखाइए. एनुअली वाला आप करके दिखाइए. तो आप लोग कॉलेज का नोटिस आया ना बाबू, रोज आने के लिए आया, बुलाया क्या इसे कॉलेज है जिसको रोज बुला रहे हैं, रोज बुला रहे हैं ऑफलाइन, कौन सॉल्ट लेक कैंपस या कॉलेज स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, हाँ तो बड़ा करके ज्यादातर स्टूडेंट उधर ही पढ़ता है, मतलब सियालदह वाले कॉलेजेस में उनके पास ही स्टूडेंट ना जो उधर का स्कूल में था ना लोग आते हैं, अब इधर हो गया ना. अच्छा देखिए 12,100 सबका आया, किसका किसका आया बेटा एक बार प्लीज, सबका ही आया होगा लगभग, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें सर, आया बाबू 12,100 करिए. देखिए उसके लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देंगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4. What will be the future amount? What will be the future amount if ₹10,000 is invested at the rate 10% for the period of two years compounded semi annually. ब्रैकेट में लिख लीजिए हाफ ईयरली, समझाने के लिए लिखे हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, हाफ ईयरली. चलिए हम बनाते हैं, आप देखिए देखिए आप तो इधर बोर्ड में ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखिए आप
बाबू ध्यान दीजिए ना प्लीज, थोड़ा एक बार बता दीजिए हमको, फिर आप बनाते रहना आराम से। देखो मैं भी बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज देखो, आप अगर ठीक से देखे होंगे तो सेम थ्री का मैथ्स में जितना चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे है जो बेसिक चैप्टर है जो आपको पहले भी आता था, क्योंकि आप कॉमर्स से आपको बेसिक मैथ्स ही देखा, वो लोग पसंद है ना उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग किए, वो हम लोग आप लोग के लिए नया चीज था। लेकिन जो लोग मान लीजिए फाउंडेशन का पढ़ाई करते हैं, जो लोग मान लीजिए जिनका मैथ्स पहले था, हम लोग के लिए सब इजी चीज है, समझे हम क्या बोले। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए बाबू। देखिए कैसे बनाएंगे, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, क्वेश्चन में नहीं लिखा था वो हमने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया, समझे बाबू। तो सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। अब यही फॉर्मूला को हम लगाते हैं और देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। आर आर की जगह पे कितना परसेंटेज है, यहां लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, फाइन, और इंटरेस्ट है आपका 10%, तो 10/100 पहले से कर ले रहे। 10/100 कितना होगा जी, 0.10, राइट। पर क्वेश्चन में बोला है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, तो क्या करिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। सर अगर क्वार्टरली बोलता तो 4 से, सर मंथली बोलता तो 12 से, किसे बाबू, यस। और नंबर ऑफ टाइम्स में देखिए कितना साल के लिए पैसा मांग रहा है, 2 साल, और एक साल में कितना बार पैसा मिलेगा, 2 बार, कितना बार, बोलो ना, 2 बार, 2×2 कितना होगा जी, 4, 1। डायरेक्ट रेंसू करके बताएं कितना होगा, कितना, 0.05, यहाँ पे लिख दे रहे 0.05, यहाँ पर एन के नाम कितना होगा, 4, ए इक्वल टू पी कितना होगा, पी बताइए, 10,000, 1.05 का इक्वल टू दी पार 4, कोई बच्चा 4 बार मल्टीप्लाई करके देखिए कितना, 1.05, चार तो तक बोल दीजिएगा, क्वेश्चन बोल देगा आपको 2 डेसिमल लेना है, 3 डेसिमल लेना है। तो देखिए अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, उतना क्या दिमाग लगाना नहीं है, एक बार तो सम्स बनाएंगे, 1.05 × 1.05, फिर जो आएगा उसमें 1.05, फिर जो आएगा 1.05, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो रिस्क लेने का फायदा ही नहीं, एग्जाम उतना बुद्धि लगाने का दरकार नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आप 1 ही 2 सम्स बनाना ना, थोड़ी ना आपको 50 2 सम्स बनाना है, तो यार रिस्क क्या लेंगे। 1.05 चार का मतलब क्या होगा, 4 बार गुना करना है, 1.05 × 1.05 जितना आया फिर 1.05 जितना फिर 1.05, एक बार करने से फिर आप कंफ्यूजन है, जैसे 10 साल का हो गया, 6 साल का हो गया ना, उसको 4 बार करना है, 5 बार करना है, आप कंफ्यूज जाओगे, सिर्फ इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि बताया ना तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कैलकुलेट वाला ट्रिक्स में, 10,000 × 1.2155, 12,150, कोई दिक्कत बच्चों। अच्छा अगर 10 साल 20 साल का देखा ना, वो लोग तो हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला वैल्यू आप लोग आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो आंसर आया 12,150। कॉपी करिए, जब दूसरा बार करेगा ना डबल ही निकलेगा, देखिए कितना 12,100
सबका है बारह हजार एक सौ पचास। अब एक तो आप लोग बना के दिखाई, फिर अगला इंटरेस्ट निकालना सिखाएंगे, धीरे धीरे सब आगे बढ़ती हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर वन ईयर इफ रुपीज 5000, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर वन ईयर इफ रुपीज 5000 इन्वेस्टेड एट द रेट 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से बोलेंगे बाबू, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर वन ईयर इफ रुपीज 5000 इन्वेस्टेड एट द रेट 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला है, एक बार परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए। संजय बाबू कहाँ गलती हुआ? एक बार इंटरेस्ट से डिवाइड करिएगा, एक बार ईयर में ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिएगा। सुजल आया बाबू आंसर? सुनहरी आंसर है? संजय बाबू क्या गलती हुआ? 6 को आप डिवाइड दोगे ना, 6% है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं, 6% है, उसको 100 से डिवाइड देंगे, 0.0 से जाने दो। देखिए हम बना दे रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे समझ नहीं आ रहा। देखिए इधर आइए, इधर देखिए कितना रुपया प्रेजेंट करिए बताइए, 5000। वन के यहाँ पे आर कितना परसेंट है? 6% है ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, 5000 बात में 600 जीरो पॉइंट कितना है, 6.06 0.06 जो है उसको कितना से डिवाइड करेगा, 2 से 0.03। आप समझिए 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हाफ ईयरली है इसलिए। अगर एनुअली होता तो करते नहीं, नहीं करते, कितना सिंपल है। राहुल अब उससे देखिए, यहाँ पर भी कितना ईयर है, एक साल है ना, साल तो एक ही है, टाइम्स कितना टाइम्स होगा एक साल में, 2 बार, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2। बस यही थोड़ी गलती कर दे रहे आप लोग, 1 पॉइंट कितना बाबू, 0.603 का पावर 2, 1.03 होल टू दी पावर 2, 5000 इंटू कितना है बाबू, 1.09 कितना, 5304.5 करिए। हमको तो बनाना है ही, बट आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। बोले पहले पूरा लिखिए। बोले क्वेश्चन बोले ठीक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर अमाउंट, समझ के करिए, नहीं हो समझ आए बार बार पूछिए। व्हाट विल बी द फ्यूचर अमाउंट ऑन रुपीज 4000, व्हाट विल बी द फ्यूचर अमाउंट, तब मत करिए उसको डिस्टर्ब, ऐसा ना यार ठीक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 फॉर 1.5 years, फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चलिए ट्राई करिए फिर हम बताते हैं, पहले आप ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। आप 3 digit लिए हो ना, 2 रुपया डिफरेंस आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर लो। चेन को 100 से डिवाइड, 0.1 से डिवाइड, अभी तो हाफ ईयरली है ना, तो 2 से डिवाइड करिए, 4 digit लेंगे तो 30,000 ठीक है, अप्रोक्स लिख दीजिए वहां पे। हो गया क्या बाबू, कितना हुआ? 0.1 को डिवाइड करो से करेगा। नहीं तो आया बाबू आंसर, नहीं आया 0.1 नहीं आया, चलिए कर देते, चलिए हम कर देते हैं। हम तो हर एक शब्द बनाएंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास करा रहे तो हर एक शब्द बनाएंगे, बट आप नहीं लाइए करे बाबू। देखिए एक बार देखिए ना प्लीज, हम बता रहे बोर्ड में, देखिए ना बच्चों जीरो कंफ्यूजन है, देखिए इधर बोर्ड में आइए, बोर्ड में आइए कंफ्यूजन है, कोई स्कोप ही नहीं है, जितना बार कंफ्यूजन होता है बताएंगे, देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए बच्चों, ए इक्वल टू पी 1+R/100, अपना पुराना फॉर्मूला, फॉर्मूला में चेंज नहीं कर रहे। अच्छा बताइए कितना रुपया लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे 4000 इन्वेस्ट किए थे राइट, और बताइए इंटरेस्ट 10% है ना बाबू, देखिए देखिए सतीश 10/100 कर लीजिए पहले 0.1 राइट। अब आपको इंटरेस्ट का रेट जो है समझिएगा, इसको डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, अगर हाफ ईयरली हुआ तो 2 से, क्वार्टरली हुआ तो 4 से, एनुअली हुआ तो 12 से, यस और नो प्लीज ध्यान दीजिए, तुमको डाउट हो रहा है। 0.1 भाई कितना 2 करेंगे 12 करें बताइए, 2 क्या हाफ ईयरली है तो कितना, 0.0 0.5 क्या खाली 5
0.05, ठीक है, आ जाइए। अब इसमें एन निकाल लीजिएगा, एन कैसे निकालेंगे, तो कितना साल के लिए बोला, डेढ़ साल के लिए, और एक साल में कितना बार मिलेगा, दो बार, तो डेढ़ इंटू दो कितना होगा जी, तीन। देखिए पी कंफ्यूजन में कोई दिक्कत है तो बता ही आप, देखिए ध्यान दीजिए, ये तो पी वाला पूरा तो सॉल्व कर लिया ना ऑलरेडी, 0.05 होल टू दी पावर कितना होगा, 3,4,001.03 का तीन बार मल्टीप्लाई, 0.05 का सॉरी कितना है वो बताइए, 1.1577, अब सिक्स नहीं लेते ना इसलिए दो रुपया कम आ गए, समझे, 76 कितना, ठीक है वो राउंड ऑफ कर लीजिए, वो अब कॉपी कर लीजिए, जिनका गलत हो गया ठीक कर लीजिए, कुछ आप मत लिया करिए, एक बार इंटरेस्ट को पहले 100 से डिवाइड करिएगा, जितना आएगा, अगर हाफ ईयरली करना है तो 2 से डिवाइड देंगे, क्वार्टरली करना है तो 4 से डिवाइड देंगे, अगर एनुअली करना है तो 12 से, सॉरी अगर मंथली करना है तो 12 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स टू बी कंपाउंडेड में क्या आ रहा है, देखो डेढ़ साल का है और एक साल में कितना बार पैसा मिलेगा, दो बार, टोटल हमको कितना बार पैसा मिलने गया, तीन बार, यस और नो, चलिए हो गया बाबू। अब थोड़ा नया कैटेगरी में चलते हैं, अब ये कैटेगरी कितना बनाएंगे, अब नया कैटेगरी में आइए, लिखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बनेगा, कुछ नहीं लिखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड The amount invested is 30,000 at the rate 10% for three years compounded annually, 3 years compounded annually, आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इसमें ना सवाल को पहले समझिएगा, हर बड़ा ही मत, सब सवाल देखने में एक जैसा ही लगेगा आपको, देखने में एक जैसा रहने से एक जैसा नहीं हो जाएगा बाबू। देखिए बना रहे, बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, अभी तक हम लोग को बोलता था फ्यूचर का अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना मिलेगा दो साल बाद वो निकालो, और आज के सम्स में, अभी के सम्स में हम आपको बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस पी, ए मतलब फ्यूचर का अमाउंट माइनस प्रेजेंट का अमाउंट, तो प्रेजेंट का अमाउंट तो आपको पता है, फ्यूचर का अमाउंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, पी वन प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर एन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बताइए, 30,000 है, और बाबू रेट कितना है, सर इसमें भी डिवाइड करिए ना, 10/100 कर दे रहे यहीं पे 0.10 राइट, सर 2 से डिवाइड करिए ना, 2 से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, 2 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, थोड़ी ना हाफ ईयरली बोला है, थोड़ी ना क्वार्टरली बोला है, थोड़ी ना मंथली बोला है, समझा रहे हैं आपको, हर बड़ा ही मत, आपको तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, आपको बोला एनुअली, क्या बोला है एनुअली, तो एनुअली रहने से तो और इजी है, देखिए 0.1 समझे, डिवाइड क्यों नहीं किए, डिफरेंस समझिए, कभी भी भूल जाएंगे तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा बार बार रिमाइंड कर करके, तो पी की जगह पे कितना होगा बच्चों, 30,000, 1 की जगह पे 1, और आर बाय 100 तो सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, 0.1 होल टू दी पावर एन, एन मतलब कितना साल बाबू, सर इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, साल में एक ही बार मिलेगा बाबू पैसा, सर वो 1 कर रहा, लो कर लो, लो 3 × 1 कितना होगा, 3, अच्छा इधर देखिए ना प्लीज, हबड़ाइए मत, उतारने में फोकस मत करिए, 1.1 राइट होल टू दी पावर 3 कितना आ रहा बाबू, कैलकुलेशन करके बच्चा बताओ, 1.1 का 331 कौन है करके, 39,935 एवरीबॉडी। अब देखिए ना इधर देखिए, इधर देखिए फ्यूचर में हमको, देखो हम लगाए थे 30,000, 3 साल बाद हमको मिलेगा 39,990 बाबा, 39,930 हमको मिलेगा, और अमाउंट लगाए कितना थे बताइए, 30,000, तो बताइए ना इंटरेस्ट कितना होगा, 9,9, एनी डाउट, सेम रुको हबराई मत, सेम तरीका से बनाइएगा, पहले फ्यूचर अमाउंट निकाल लीजिएगा, अब फिर प्रेजेंट वाला में से फ्यूचर वाला को माइनस, मतलब फ्यूचर वाला में से प्रेजेंट वाला को माइनस करिएगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, यस और नो, कॉपी करो, कॉपी करो, फिर बनाएंगे,
इंटरेस्ट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट आएगा। बात करते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमको, आप पहले ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। कॉपी अलग बनाएगा, टैक्स की कॉपी अलग बनाएगा। टैक्स के लिए एक तो बुक लेना है, मुद्रा एंड मुद्रा का माध्यम आपको भेज दे रहे हैं। रुकिए खड़े आके देखिए, टाइम देखिए तो पढ़ाई करना थोड़ा आगे पीछे, हम तो 10 मिनट से स्टार्ट होते हैं मैथ्स क्लास, थोड़ा कम से कम 2-3 दिन तो समझ छोड़ेगा, कर लीजिए जितना दिन फोटो लेंगे दीजिएगा। जैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, देखिए बाबू, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, then find compound interest on 10,000 at a rate 5% per annum for 2 years. आंसर है 1025। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, करके देखिए आ रही है, धीरे धीरे बनाएगी फ्यूचर में से प्रेजेंट माइनस करिए तब ना इंटरेस्ट आएगा। फ्यूचर वैल्यू आपका निकल गया, उसमें से प्रेजेंट को माइनस कर दिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा, अभी फ्री क्लास है आप लोग, अकाउंट क्लास हाँ आप लोग कंबाइन, दोपहर में 16 मैसेज दे दो 9 बजे।
टोटल आया है 11,025, उसमें से 10,000 माइनस करके देगा यार 25। एक क्वेश्चन लिखिए और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे आगे अगले दिन करेंगे बच्चों को खिलाने लेकर। हाँ